हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। पूरे वीडियो में हर एक कंसेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, और जो इस वीडियो के या इस टेंस का फर्स्ट से थर्ड पार्ट तक नहीं देखे हैं, उसे कृपया करके एक बार जरूर देख लें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आज मैं एक चीज बता देता हूँ, आज हम इस वीडियो के अंत में टेंस के सभी प्रकार का संक्षिप्त में रिवीजन करेंगे, तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, आप शुरू से लेके अंत तक बने रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस के बारे में मैंने आपको डिफिनेशन वगैरह पहले तो बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, अब चलते हैं आज डायरेक्ट हम लोग फ्यूचर टेंस का टाइप पे चलते हैं, ठीक है। तो आज ये वीडियो आपके लिए हर एक एंगल से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको फ्यूचर टेंस में देखिए, जहां तक फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस में जो भविष्यकाल है इसके भी चार प्रकार होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल और अपूर्ण पूर्ण भविष्यकाल, जिसको इंग्लिश में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। अब चलिए पहला टाइप का इसके बारे में बातें करते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, जिसको सामान्य भविष्यकाल। इसका अगर आप डिफिनेशन देखिए तो क्या है, कर्ता द्वारा जो कार्य भविष्य में किया जाएगा, ठीक है। अब ये डिफिनेशन है, अब सिंपल इसको लैंग्वेज में देख लीजिए, कर्ता द्वारा जो भविष्य में कार्य होंगे, काम किए जाएंगे, ठीक है। इसका मेनली जो है ये आपके लिए पहचान है, आपको ये पहचान ध्यान में रखना है, क्या है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी इत्यादि लगा रहे, वह वाक्य हमारा सामान्य भविष्य काल में होते हैं। आपको यह ध्यान रखना है जो मैं आपको फर्स्ट से लेकर आज तक के वीडियो में कहते आ रहा हूं कि आपको बनाने का नियम, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि मैं आपको ये याद होने चाहिए, सबके सब हम इसी पे यूज करेंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूं मैं, पहला एग्जाम्पल क्या है, मैं क्रिकेट खेलूंगा, इससे आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ लास्ट में क्या है, गा है। तो अब ये तो आप सिंपल समझ के, ये क्या है हमारा, ये जो एग्जाम्पल है ये मेरा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस से है। अब देखिए इसको मैंने जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं, फॉर्मूला में क्या है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस जो कर्ता प्लस शैल विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत इजी है। देखिए क्या है, पहले सब्जेक्ट आ गए, यहाँ मेरा आई सब्जेक्ट आ गए, इसके आई के साथ शैल या विल हम शैल लगा दिया, आई शैल प्ले यहाँ मेरा वर्ब हो गया, वर्ब का पहला फॉर्म फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो क्या हो गया, आई शैल प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब दूसरे में देखिए क्या है, दूसरे में हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, तो आपको ये यहाँ से पता चल रहा है, लास्ट वाले से पता चल रहा है कि ये क्रिया के अंत में क्या है, खेलना हमारा एक क्रिया है, उसमें क्या है, खेलेंगे, तो गे ये आपको क्या हो गए, फ्यूचर में हो गए, फ्यूचर में हो गए। तो अब हमारा क्या है, फ्यूचर में तो हो गए, फ्यूचर में कौन सा, फ्यूचर में मेरा फ्यूचर इंडिफिनिट हो गए, ठीक है, जो हम सामान्य भविष्यकाल बोलते हैं इसमें हो गए। अब देखिए इसका बनाने का नियम क्या है, आप ये देख लीजिए सिंपल, हम लोग का सब्जेक्ट क्या हो गया, वी, ठीक है, वी विल प्ले क्रिकेट, ठीक है, क्या, वी विल प्ले क्रिकेट, अगर आप देखें तो हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, तो इसका क्या बनेगा, वी विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब देखिए फिर क्या नेक्स्ट, क्या है, तुम क्रिकेट खेलोगे, ठीक है, लास्ट में आपको यहाँ मेन जो आपको वर्ब का जो हमारा जो क्रिया है उस पे ध्यान देना है, कि ये क्रिया से ही आपको पता चलेंगे ये टेंस के किस प्रकार में है, ठीक है। तो आपको यहाँ पता चल रहा है कि लास्ट में क्या है, खेलेंगे, आप यहाँ क्या है, गा गे गीत गे थे, तो अब इसमें क्या है, क्या, यू विल प्ले क्रिकेट। आप ध्यान से देखिए, अब मैं आप इसमें कुछ नया चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम इसमें ये फॉर्मूला से ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर दूसरा क्या है, तुम लोग अंग्रेजी पढ़ोगे, क्या है, यू विल रीड इंग्लिश, ठीक है, यू विल रीड इंग्लिश, आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको अभी तक के टेंस में सब मैं डिस्कस करते गया हूँ कि इसमें सब्जेक्ट से हो गए, ये मेरा ये जो फॉर्मूला के है, ये फॉर्मूला से यहाँ आ गए, रीड पढ़ना आ गया, और ये ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्या है, वह क्रिकेट खेलेगी, क्या हो गया, वह क्रिकेट खेलेगी, इसका क्या हो जाएगा, वह क्रिकेट खेलेगी, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सी विल प्ले क्रिकेट, ठीक है, सी विल प्ले क्रिकेट। अब फिर क्या है, सीता पत्र लिखेगी, ठीक है, आपको क्या बात है, सीता पत्र लिखेगी, तो क्या होगा, सीता यहाँ सब्जेक्ट हो गए, उसके बाद फिर विल तो आपके ये फॉर्मूला से यहाँ से लग गए विल, उसके बाद क्या है, राइट लिखना हो गया, वर्ब का पहला फॉर्म है, राइट अ लेटर, ठीक है, सीता विल राइट अ लेटर, क्या है कि अगर ये सेंटेंस हिंदी वाक्य क्या है हमारे, सीता पत्र लिखेगी, तो इसमें क्या होगा, सी विल राइट अ लेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, वे लोग दिल्ली जाएगी, वे लोग दिल्ली जाएगी, इसमें क्या है कि इसमें वे लोग तो ये सब्जेक्ट हो गए, कर्ता हो गए, तो इसका दे विल गो टू दिल्ली, ठीक है,
आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो हम अपूर्ण भविष्य काल बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। इसको जो मैं बता दूं, कंटिन्यूअस है, इसको इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, इसको इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। अब इसका पहले डिफिनेशन देख लीजिए आप एक लाइन में। जो कोई कार्य, जब कोई कार्य भविष्य काल में बिना रुके हो रहा होगा। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, हमेशा गा रहेगा, क्योंकि हम भविष्य की बातें कर रहे हैं। तो अब हमको आपको ये मेनली पहचान देखना है, इसका पहचान क्या है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि लगा रहे, वो वाक्य हमारा अपूर्ण भविष्य काल में होता है। किसमें होता है, अपूर्ण भविष्य काल में होता है। और जब अपूर्ण भविष्य काल में होता है, तो उसके लिए जो बनाने का नियम है, बनाने का नियम क्या है, कर्ता, उसके बाद फिर क्या होंगे, शैल, विल, बी लगेंगे इसमें। आप ये याद रखिए, वी लगेंगे इसमें, ये आपको ध्यान देना है एडिशनल में, बी। उसके बाद इसके V1 का फिर ING, V1, इसको आप V4 भी बोल दीजिए, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको ये एग्जांपल देखिए क्या है। एग्जांपल क्या है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा। तो इसमें क्या होगा, आई सेल बी, देखिए सेल तो हम यहाँ से ले लिए, और इसमें बी लगाना है, ये जो बी एडिशनल में है ये लगाना है। मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ। इसमें क्या है, सेल बी। अब जब सेल बी लगेंगे, सेल बी लगाने के बाद मेरा ये क्या होगा, वर्ब का चौथा फॉर्म होगा, मतलब V1 प्लस ING होंगे। ठीक है, तो अब हमको यहाँ से, आपको तो यहाँ कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ से देखना रहा होगा, इससे मुझे पता चल रहा है कि ये क्या है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में, अपूर्ण भविष्य काल में, अपूर्ण भविष्य काल में है। तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है, इसके हिसाब से मैं आपको जितना भी ये एग्जाम्पल लिया हूँ, सबके सब एग्जाम्पल आपको, छोटा छोटा एग्जाम्पल लिया हूँ कि आपको ज्यादा कठिनाई नहीं हो और आपको इजी समझ में आए, टू द पॉइंट आप देखिए और आपको ध्यान में आ जाए। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, इसका क्या होगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, आई शैल बी प्लेइंग अ क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब दूसरा क्या है, हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, आपको यहाँ रहे होंगे, इससे पता चल गया कि आपको ये टेंस किस चीज में है, ये फ्यूचर इम्परफेक्ट में है। ठीक है, फ्यूचर इम्परफेक्ट में, तो हम इसका पहचान क्या है, इसका सब्जेक्ट यहाँ हो गया वी हो गया, सेल हो गया जो हम आपके यहाँ से लगे हुए, बी ये हमारा फॉर्मूला हो गया, यहाँ तक तो मेरा ये फॉर्मूला है, फिर वे वी प्लेइंग एंड क्रिकेट हो गया, क्या है, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, कि क्या होगा, वी सेल बी प्लेइंग क्रिकेट। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, तुम क्रिकेट खेल रहे होगे। ठीक है, आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये किस चीज में है, कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो अब हमको फॉर्मूला में, फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे, आपको इसको मेन मेन आपको ये फॉर्मूला पे ध्यान देना है, ये जो फॉर्मूला है आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके लिए, सिर्फ तुम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, यू विल बी रीडिंग इंग्लिश। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको मेनली आपको ये पहचान ध्यान देना है, अगर पहचान आ गया आपको ध्यान में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगा देना है। अब क्या हुआ, राम के साथ खेल रहा होगा। ठीक है, ही विल प्लेइंग विथ राम, मतलब ये कर रहा होगा, यहाँ से आपको पता चल रहा है क्या, ही विल बी प्लेइंग विथ राम, क्या वो राम के साथ खेल रहा होगा, क्या हो गया, ही विल बी प्लेइंग विथ राम। ठीक है, अब देखिए, सीता पत्र लिख रही होगी। आप यहाँ लास्ट में देखिए, ये जो लास्ट में है, सीता पत्र लिख रही होगी, इससे क्या है कि इससे मुझे पता चल रहा है कि ये मेरा टेंस कौन से टाइप्स में है। ठीक है, तो ये टेंस है, सीता विल बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, क्या है, सीता विल बी राइटिंग अ लेटर, सीता यहाँ सब्जेक्ट हो गए, विल बी यहाँ जो हमारे ये फॉर्मूला है यहाँ से आ गए, स्ट्रक्चर से आ गए, राइट का फोर्थ फॉर्म होगा राइटिंग होगा, क्योंकि राइट फर्स्ट में ING लगा दिया, राइटिंग अ लेटर हो गए। ठीक है, तो सीता पत्र लिख रही होगी का क्या होगा, सीता विल बी राइटिंग अ लेटर। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, वे लोग दिल्ली जा रहा होगा। ठीक है, अब दे यहाँ सब्जेक्ट हो गए, विल बी ये हमारे फॉर्मूला से आ गए, फिर गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट में आपको शॉर्ट में रिविजन करा रहा हूँ, देखिए क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन्स पूर्ण भविष्य काल हो गए। ठीक है, पूर्ण भविष्य काल। अब पूर्ण भविष्य काल में आपको पहले आप इसका परिभाषा देख लीजिए, इस टेंस में भविष्य काल में कर्ता के द्वारा ऐसे समय की बात की जाती है जिसमें वह कार्य पहले समाप्त हो चुका होगा। ठीक है, आप यहां से देखिए, जो आपको उसमें, जब आपके फर्स्ट से जो टेंस के, तो उसके उससे देखिए, इसमें क्या है,
आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इसका पहले पहचान देखिए क्या है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा चुकेगा, चुकूंगी, चुकेंगे, चुकूंगा इत्यादि लगा रहे, वह वाक्य हमारा पूर्ण भविष्य काल में होता है। पूर्ण भविष्य काल में होगा, पूर्ण भविष्य काल में होगा तो हमारे इसका जो ये बनाने का नियम है, आप इसको ध्यान में देखिए, बनाने का नियम क्या है। बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव, फिर वी थ्री फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है। अब आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको ये बनाने का नियम पता होना चाहिए, बनाने का नियम और ये आपको पहचान। अगर आपको पहचान आ गए ये कौन से हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा इसका बनाने का नियम पता है, तो आप कोई सा भी बना सकते हैं, आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगे। बहुत ईजी है ये आपके लिए, बहुत ईजी है, इससे लीजिए कुछ नहीं हो सकता। और जितना मैं आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ ये इजी में आपको शॉर्ट में हो जाएंगे रिविजन, ठीक है। और ऐसे में लास्ट में आपको एक बार मैं पूरा सिनॉप्सिस करा दूंगा, जितने भी वीडियोज हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ टेंस हैं, जो कि आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। आप एक बार जरूर देख लीजिए, क्या है, मैं क्रिकेट खेल चुकूंगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्रिकेट खेल चुकूंगा, आप यहाँ ध्यान दीजिए, चुकूंगा, ये चुकूंगा जो यहाँ है ये हमारा क्या है, ये हमारा पहचान क्या करा रहा है, ये किस चीज से पहचान करा है, ये मेरा पूर्ण भविष्य काल में है। अगर पूर्ण भविष्य काल में है तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसका ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला 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 यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है सब्जेक्ट, आई का यहाँ सब्जेक्ट आ गया, आई हो गया, उसके बाद क्या है सेल है, जहां हैव लगे आप हमेशा याद रखिए, जब सब्जेक्ट के बाद हैव लगे तो वहां वी का थर्ड फॉर्म लगते हैं, ठीक है। वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है क्रिया का थर्ड फॉर्म, हो गया ये प्लेड, ठीक है। क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुकूंगा, इसका क्या हो गया, आई सेल है प्लेड क्रिकेट, ठीक है। उस तरह से आप दूसरा देखिए, हम लोग क्रिकेट खेल चुकेंगे, ठीक है, इसका क्या होगा, वी सेल हैव प्लेड क्रिकेट। आप देखिए सब मैं आपको पूरा जो है ना तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, तोड़ तोड़ के इसलिए बता रहा हूँ कि आपको देखिए, आपको यहाँ से आप कंपेयर कर सके अच्छे तरीके से, ठीक है। ये आपके लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखिए, फॉर्मूला और पहचान, ठीक है। तो इसका क्या है, वी सेल है प्लेड क्रिकेट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में चलते हैं, क्या है, तुम मुझसे बात कर चुकोगे, चुके होगे, सॉरी, क्या है, तुम मुझसे बात कर चुके होगे, तो इसमें क्या, यू विल हैव टोल्ड मी, ठीक है, यू विल हैव टोल्ड मी, ठीक है। टेल का थर्ड फॉर्म हो गया टोल्ड हैव, ये आप देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं जी, आपको फर्स्ट पार्ट में जो है ना मैंने वर्ब का फॉर्म बता चुका हूँ, आप एक बार उनको जरूर देख लीजिए। उसके बाद क्या है, तुम लोग अंग्रेजी पढ़ चुके होगे, ठीक है, क्या पढ़े, तुम लोग अंग्रेजी पढ़ चुके होगे, तुम लोग का यहाँ हो गया यू हो गया, विल हैव यहाँ हमारे ये फॉर्मूला से आ गए, यहाँ मेरा फॉर्मूला से आ गए। अब यहाँ सेल विल जो है लगा हुआ है, ये दोनों सेल और विल, आपको हमेशा याद रखना कि ये सेल और विल जो है हमारे मेनली जो अगर पे पुलर फॉर्म के लिए लगते हैं, ठीक है। तो अब दे मींस क्या हो गया, वे लोग, मतलब ज्यादा हो, तुम लोग क्या हो गए, वहाँ ज्यादा हो गए, मतलब एक से ज्यादा है, तो इसमें क्या विल लगेंगे, दे विल हैव रीड इंग्लिश, ठीक है, दे विल हैव रीड इंग्लिश। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, तुम अपना, वह अपना काम पूरा कर चुका होगा, ठीक है। तो आप यहाँ चुका होगा, आपको ये ध्यान देना है चुका होगा, पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है, तुम लोग वो चुका होगा, इससे क्या हो गया आपका, तुम वह अपना काम पूरा कर चुका होगा, इससे मुझे पता चल गया कि ये हमारा किस चीज में है, पूर्ण भविष्य काल में है। अगर ये पूर्ण भविष्य काल में है तो हमारा इसका जो ये जो हमारे रूल्स हैं ये रूल्स पे चलते हैं। देखिए मैं आपको रूल्स को एक बार फिर से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको हाईलाइट कर देता हूँ ये रूल्स को, आपको ये रूल्स हमेशा पता होना चाहिए क्योंकि ये रूल्स ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, रूल्स और ये आइडेंटिफिकेशन जो है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, जो ये है ये रूल्स, रूल्स और ये दोनों आइडेंटिफिकेशन ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए क्या है नेक्स्ट में, हम क्या है नेक्स्ट में बोल रहा है कि हमारा कि इसका पहले आप टेंस का वो देख लीजिए, वह अपना काम, अपना पूरा काम कर चुका होगा, ही विल हैव डन हिज वर्क, ऑल वर्क, ठीक है। अब देखिए क्या नेक्स्ट क्या है, वह सीता पत्र लिख चुकी होगी, ठीक है, क्या है, सीता पत्र लिख चुकी होगी। अब देखिए आप ये चुकी होगी जो होगा, आपको इसी से पता चल गया कि ये टेंस हमारे किस टाइप में है, टेंस के हमारे पूर्ण भविष्य काल में है, पूर्ण भविष्य काल में है। तो अब हम ये डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला क्या कहता है, सीता विल हैव रिटर्न अ लेटर, ठीक है, सीता विल हैव रिटर्न अ लेटर, ठीक है। आप देखिए एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, ऊपर के फॉर्मूला से मैच कर लीजिए, क्या है, वे लोग दिल्ली जा चुकेंगे, क्या होगा, दे विल हैव
गोन टू दिल्ली, ठीक है। अब देखिए दे यहाँ सब्जेक्ट हो गए, ये हमारा यहाँ रूल्स से आ गए, ये वी का थर्ड फॉर्म आ गया, उसके बाद फिर क्या है टू गो दिल्ली, ठीक है। अब देखिए आपको ये लास्ट है, लास्ट में क्या है अपूर्ण पूर्ण भविष्य काल, अपूर्ण पूर्ण भविष्य काल। अब इसमें देखिए अपूर्ण पूर्ण भविष्य काल में जो है ना आपके डिफिनेशन के लिए क्या है, जब कर्ता के द्वारा भविष्य काल में कोई कार्य निर्धारित समय के साथ बिना रुके हो रहा होगा, ठीक है। आप इसमें देखिए समय की बात हो रहा है, ठीक है, आप सिंपल देखिए समय की बात हो रहा है। आप इसका पहचान देख लीजिए क्या है, जिन हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या है समय से, मतलब इसमें टाइम रिफरेंस होंगे, ठीक है, समय से रहा होगा, समय से रही होगी, मैं जब समय से लिख रहा हूँ इसमें कुछ ना कुछ टाइम दिया होगा, ठीक है, फिर क्या है समय से रहे होंगे इत्यादि लगा रहे, वह वाक्य हमारा क्या है अपूर्ण भविष्य, अपूर्ण पूर्ण भविष्य काल में होगा, जिसको इंग्लिश में हम आपको क्या बोल रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आप इसका बनाने का नियम देख लीजिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो वी वॉलीज क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन प्लस वी फोर या वी वन का आईएनजी लगा दीजिए, उसके बाद इसमें आपको है क्या है सिंस फोर प्लस टाइम, जो टाइम रिफरेंस होंगे वो होंगे आपके, ठीक है। अब क्या है एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैं अपना पढ़ाई मई से शुरू कर रहा हूँगा, ठीक है। अब क्या है आई शैल हैव बीन, देखिए आपको ये फॉर्मूला यहां से यहां तक आपके पूरा फॉर्मूला है, ठीक है, मैं एज इट इज कॉपी कर दिया हूं यहाँ, क्या है आई शैल हैव बीन स्टार्टिंग माई स्टडी सिंस मई, देखिए इसमें आपको टाइम रेफरेंस दिया है, इसलिए मैंने क्या किया फिक्स टाइम दिया हुआ है, आपको पहले बताया जब फिक्स टाइम है तो वहां मेरा सिंस लगते हैं, और जहाँ फिक्स टाइम नहीं हो तो वहां हम क्या फोर लगाते हैं, जैसे हम आगे में लगा रहे हैं, देखिए क्या है हम लोग कई वर्षों से क्रिकेट खेल रहे होंगे, इसमें देखिए रहे होंगे कई वर्षों से, टाइम इसमें दिया हुआ है कई वर्षों से, और ये जो कई वर्षों से और इसमें रहे होंगे, इससे मुझे क्या चल गया मेरा जो टेंस के टाइप है ये क्या है फ्यूचर परफेक्ट में है, फ्यूचर परफेक्ट में है तो हम इस फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं, ये क्या कह रहा था इस फॉर्मूला मेरा क्या कह रहा है कि हम पहले भाई सब्जेक्ट्स आएंगे, उसके बाद हमको विल हैव या शैल हैव बीन लगेंगे, उसके बाद जब बीन लगेंगे तो इसमें क्या होंगे कि मुझे वर्ब का चौथा फॉर्म चाहिए, वर्ब का चौथा फॉर्म के बाद मेरा जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आएंगे, जो कर्म आएंगे, उसके बाद फिर सिंस फॉर और जो टाइम रेफरेंस दिया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या हम लोग कई वर्षों से क्रिकेट खेल खेल रहे होंगे, इसका क्या कहा वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, आपको ये समझ में, वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मैनी ईयर्स। अब देखिए यहाँ जो मैंने फोर लगाया हूँ, फोर हम किस कंडीशन में लगाते हैं जब मेरा टाइम फिक्स्ड ना हो, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ टाइम कैसे फिक्स नहीं है कि कई वर्षों से है, ठीक है, जब कई वर्षों से है तो इसमें कुछ टाइम तो फिक्स है नहीं, कई वर्षों से तो कुछ टाइम रिफरेंस दिया नहीं, सिर्फ दिया हुआ कि कई वर्षों से, तो जब कई वर्षों से दिया हुआ है तो नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ क्या रहे हैं मैनी ईयर, मैनी ईयर ये क्या है कि हमारा कुछ ये फिक्स नहीं बता रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में क्या है, तुम दिसंबर से क्रिकेट खेल रहे होगे, ठीक है। अब देखिए दिसंबर से इसमें क्या है कि आपका एक फिक्स टाइम दे दिया, एक दिसंबर से ही है, चलिए भाई अब दिसंबर टाइम है तो टाइम फिक्स है, क्या है यू विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस दिसंबर, आपको मेनली इसमें ये ध्यान दीजिए कि इसमें सिंस कहाँ से लगे हैं, फिक्स टाइम है, और ये हम जो है ये फॉर्मूला जो ऊपर में लिखे हुए हैं सिर्फ ये फॉर्मूला जो आपको पॉइंट आउट किया हुआ हाईलाइट किया हुआ है इस फॉर्मूला से आपको सब वहीं से है, ठीक है। आप देखिए क्या है नेक्स्ट, क्या है तुम लोग 10 वर्षों से खेल रहे होगे, ठीक है, इसमें 10 वर्ष, इसमें जो आपको टाइम डिफरेंस दिया हुआ है आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि रहे होंगे तो ये आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फ्यूचर कंटिन्यूअस में चले गए, ऐसा नहीं है, ये रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इसमें टाइम रेफरेंस दिया हुआ है एडिशनल में, तो अगर टाइम रेफरेंस एडिशनल में दिया हुआ तो आप इसमें नाम से ही पकड़ सकते हैं अपूर्ण पूर्ण भविष्य काल, ठीक है। अब देखिए इसका क्या पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं, क्या है यू विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 10 ईयर्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है ही विल हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम 2 o'clock, देखिए इसमें 2 o'clock आप ऐसा मत समझिए, 2 o'clock सॉरी यहाँ 4 2 o'clock होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है श्याम 10 दिनों से पढ़ाई कर रहा होगा, अब इसमें क्या है श्याम विल हैव बीन रीडिंग सिंस 10 डेज, ठीक है, 10 दिन इसमें टाइम दिए हुए, 10 दिन, ठीक है। क्या वे लोग
3 घंटे से सो रहे होंगे। अब क्या है, दे विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर। ठीक है, अब देखिए अगर आप मैं जो आपको मैं एक बार ध्यान दिला देता हूँ कि ये हम आपको जितना भी टाइप के टेंस हम आप अभी तक मैंने डिस्कस किया हूँ, ठीक है, ये बहुत ही इजी है। अगर इसमें अगर आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अभी तक तो नहीं आना चाहिए, अगर आ रहे हैं तो आप एक बार जरूर देख लीजिए कि ना कि जितने भी आपको पहचान, ये पहचान और ये बनाने का नियम हम आपको प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक का जितने भी टाइप्स हैं सब आपको हाईलाइट कर दिया हूँ। हाईलाइट करने का मतलब है कि आप उसके पूरी तरह से ध्यान से देख सकते हैं। एक बार आपको देखना है, हो सके तो आप एक नोट्सबुक में सिर्फ एक पेज में आप क्या करें, फॉर्मूला और ये जो पहचान और इसका जो फॉर्मूला है ये आप जरूर लिख लें। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बार शुरू से लेकर अंत तक का जितने भी आपके इजी के लिए मैंने एक सिनॉप्सिस बना लिया हूँ जिसमें आपके पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया हूँ। हो सके तो आप इस पेज को ही देख के आप पूरा एज इट इज कॉपी कर लीजिए। देखिए क्या है, आप एक बार ध्यान से देखिए, आपको अब पूरा ध्यान में आ जाएंगे अभी तक का जितना भी मैंने बताया हूँ। और सर क्या क्या हूँ, मेनली टेंस का नाम लिख दिया हूँ, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन जो पहचान है कैसे पहचान करना है, उसके बाद फिर क्या है इसका बेसिक रूल्स क्या है जो आपको ट्रांसलेट करने का, उसके बाद एक मैं सिंपल एग्जांपल ले लिया हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या है, पहला क्या था प्रेजेंट टेंस था, फिर क्या था पास्ट था, फिर क्या है फ्यूचर है। पास्ट में प्रेजेंट में मेरा 4 टाइप्स हैं, 1 2 3 4। अब देखिए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला है, इसका पहचान क्या था, ता है, ती है, ते है, ते हो, ये है। अब इसका बनाने का नियम क्या था, जो हम स्ट्रक्चर कहते हैं इसका बनाने का नियम था, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे आई गो टू दिल्ली। देखिए जैसे मैं दिल्ली जाता हूँ, आप एक बार जो है ना देखिए ता हूँ, आप यहाँ से सिंपल आप देख सकते हैं कि ना कि मैं जो इसमें जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ आप इसमें देख सकते हैं क्या है। अब फिर देखिए प्रेजेंट प्रेजेंट इम्परफेक्ट, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों सेम होते हैं। ठीक है, इसका पहचान क्या है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो। ठीक है, अब इसका बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जाम्पल है आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, आपके लिए मैं पूरा का पूरा सिनॉप्सिस किया हूँ ये। ठीक है, फिर क्या है एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका पहचान क्या था, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो। इसका बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल आपके लिए आऊँ, आई हैव रिटन अ लेटर। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, समय से आ रहा है, रही है, रहे, समय टाइम डिफरेंस रहेंगे ये है। अब इसमें देखिए बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन, सॉरी यहाँ बीन प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, अब देखिए पास्ट में क्या, आप यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं। देखिए प्रेजेंट को प्रेजेंट से कंपेयर कीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट से कीजिए और पास्ट को पास्ट से कीजिए, पास्ट को प्रेजेंट से कीजिए। देखिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें, क्या पहचान क्या, ता था, ती थी, ते थे, क्या है इसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, आई रोट अ लेटर। ठीक है, अब क्या है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जो आप पर इम्परफेक्ट कहने का ये जो है ना आपका कंटिन्यूअस ही है। ठीक है, आपको उनका ही नाम है दूसरा, क्या है रहा था, रही थी, रहे थे। आप देखिए इसमें रहा था, रही था, इसमें क्या है रहा हूँ है, यहाँ से आप डिफिनेशन देखिए, यहाँ से इसको मैच कीजिए थोड़ा सा, क्या है इसमें रहा था है, इसमें क्या रही रहा हूँ है। ठीक है, ये पास्ट में, इसमें देखिए क्या है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वी प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें आप यहाँ देखिए क्या है आई वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में क्या, चुका था, चुकी थी, चुके थे, सब्जेक्ट प्लस हैड हैव वर्ब का तीसरा फॉर्म, फिर क्या है ऑब्जेक्ट आई हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, अब देखिए फिर क्या है नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है समय से रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, इसका क्या सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर लगे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको एग्जांपल है, आई आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 डेज। ठीक है, 2 दिन से मैं पत्र लिखते आ रहा था। ठीक है, अब देखिए फ्यूचर का, देखिए फ्यूचर क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट है, फ्यूचर इंडिफिनिट में गागेगी शॉर्ट में मैंने आपको लिखा हूँ, वहां आपको डिफिनेशन के साथ दिया था कि आपके लिए, चलिए डिफिनेशन के साथ हो गए। अब क्या इसका बनाने का नियम देख लीजिए कि सब्जेक्ट प्लस सेल्वेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका क्या आई विल गो टू दिल्ली। ठीक है, फ्यूचर इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस चीज का रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसमें के बनाने का नियम क्या है सब्जेक्ट प्लस सेल्वेल बी प्लस वी प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई विल बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, आई विल बी राइटिंग अ लेटर,
अब नेक्स्ट देखिए क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट क्या बोल रहा है, चुके चुकेगा चुकेगी चुकेंगे। क्या सब्जेक्ट प्लस शैल विल है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट इसमें टाइम रेफरेंस दिए रहेंगे, उसके यहाँ रहा होगा रहे होंगे। आप इसको मैं ऊपर में डिस्कस कर दिया हूँ, फिर भी आप अपने शॉर्ट नोट्स के लिए आप इसे लिख सकते हैं। बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर आई शैल हैव बीन रीडिंग अ लेटर फॉर मेनी डेज। ठीक है, आप देखिए आप इसको जो है ना एक बार ध्यान से देख लीजिए। ध्यान से देखने के साथ साथ आप एक बार इसको मैच कर लीजिए, जो आपका जो है ना ये आपको सेम है, और आप इसको एक बार मैच करके यहां से अगर कुछ कंफ्यूजन है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, आप सबको मैच करके आप एक क्विक रिवीजन के लिए आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अगर और एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, कल जो या जो नेक्स्ट क्लास में जो हमारा जो वीडियोज आएंगे, ठीक है, वो आपको इंपॉर्टेंट वीडियो ही रहेंगे। और मेनली मैं ये फोकस करके चलूंगा कि जो है ना कि आपके इंग्लिश इंप्रूव होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश इंप्रूव होने के साथ साथ मैं आपको क्या करूंगा कि कुछ कंपटीशन के लिए भी वीडियोस लेके आऊंगा, कंपटीशन एग्जाम के लिए लेके आऊंगा। तो आपके उससे क्या रहेंगे कि अभी से अगर आप जूनियर हैं या 10वीं 8वीं 9वीं जिस क्लास में हैं, आपके लिए मैं आपको क्विक रिविजन जो कि है क्विक रिविजन, और साथ में आपके डिस्कस करता चलूंगा सिलेबस डिस्कस करता चलूंगा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ, मैं अपने काम से कुछ ना कुछ टाइम निकाल के आपको कुछ ना कुछ नया चीज देने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर वो काम आपके काम आ गए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।